पंचकुला भाजपा प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता के समर्थन में पूर्व विधायक टीके बंसल की पत्नी अंजलि बंसल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ओम प्रकाश ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके बाद ही पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें सांसद व मंत्री रतनलाल कटारिया भी प्रेस वार्ता में शामिल रहे। अंजलि जी शामिल हुए हैं, मैं इनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अंबाला लोकसभा का जो ये विधानसभा की नौ सीटों पर जो चुनाव होगा, ये हिंदुस्तान में अलग किस्म का एक चुनाव होने जा रहा है। चौथी बार लगातार 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी बहुमत से जीतेगी। मैं 2014 में एमपी बना तो 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जीता था। फिर विधानसभा का चुनाव आया 2014 का, तब भी 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुने गए। फिर अभी 4 महीने पहले मैंने लोकसभा का चुनाव जीता, तब भी मैं 9 की 9 विधानसभाओं में जीता। और अब ये चौथी हैट्रिक तो हो चुकी है, लेकिन अब की बार ये चौथा समय होगा कि जब अंबाला लोकसभा की 9 विधानसभा सीटें कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये मेरा विश्वास इसलिए है क्योंकि ये जो चुनाव है 2019 का, ये पॉजिटिविटी पर लड़ा जा रहा है। आप सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहास के ज्ञाता हैं, आपने देखा होगा कि जब भी कोई सरकार बनती है, मान लिया कोई सरकार बनी और उसको 200 सीटें मिली और वोट मिला उसको 40%, लेकिन जब अगली बार चाहे वो सरकार रिपीट हो गई, चाहे वो सरकार बन गई, लेकिन उसको सीटें मिली 180, उसकी 20 सीटें घट गई। अर्थ प्रकाश के लिए पंचकुला से कोमल रमोला की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।